जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, शांति की ज्योति जगाओ। जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, जग के ओ माटी के खिलौने बैर कभी ना रखना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के शिव पिता को तुम याद करके पवित्र बन जाओ, ज्योत जगाओ। ओम शांति। आज का ये संगठन देख बहुत खुशी हो रही है कि हमारे इस स्टेज पर महाराजा महारानियों और परिवार इकट्ठे हुए हैं। हमें तो इनको देख करके यही परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्य याद आ रहे हैं। कि आज के ये महाराजे और महारानियां कल के भी महाराजा महारानी जरूर बनेंगे, क्यों इस कलयुग के समय का राज भी देखा है और हमें याद आता है कि अपने पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार तन में थे तो बहुत समय प्रति समय इन महाराजा महारानियों को याद करते थे। और इनों की विशेषता सुनाते थे कि एक राजा राज चलाते थे और राजाओं के राज में कोई अपोजिशन नहीं थी, राज की अपोजिशन नहीं थी, दुश्मन की बात दूसरी है। और राजा जो ऑर्डर करते थे वो जनता प्यार से स्वीकार करती थी। इसीलिए राजाओं में एक कंट्रोलिंग पावर थी। क्यों कंट्रोलिंग पावर थी? आज नहीं है। आज एक प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहेंगे तो उसको अपोजिशन करने वाले कट जरूर करेंगे, लेकिन राजाओं के ऑर्डर को कोई भी कट नहीं कर सकते थे।
तो उन्होंने क्यों ऐसी शक्ति थी, उसका कारण हमको परमपिता परमात्मा ने सुनाया कि राजघराने में वो ही जन्म लेता है जिन्होंने अगले जन्म में बहुत परमात्मा के प्रति धन दान किया। उसके फल स्वरूप परमात्मा के शुभ कार्य में धन दान किया, धन लगाया, मन लगाया, इसीलिए उन्होंने ये राज की पावर थी। आज तो जैसे भाई ने सुनाया कि वोटों के आधार से नेता बनता है, कोई शुभ कार्य के आधार से नेता नहीं बनता, वोटों के आधार से नेता बनता है। इसीलिए सभी ने जो भी भाषण किए हमने सुना, बहुत अच्छे किए। वर्तमान समय का सभी ने वर्णन किया और हमारे दादी जी ने तो भविष्य राम राज का वर्णन किया और सभी ने स्वीकार किया कि राम राज तो होना ही है। तो हम यही शुभ आशा रखते हैं कि हमारे जो भी ये निमंत्रण पर आए हुए राज परिवार के आत्माएं आई हुई है, वो अपने भविष्य राज अधिकार को भी अवश्य परमात्मा द्वारा लेंगे। क्यों? कि ये राज राम राज या स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, जो भी कुछ कहो, उस राज में एक जन्म का नहीं, परमात्मा ने हमको बहुत अच्छा चांस दिया है। एक जन्म आप आध्यात्मिक नैतिक धारणा करो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करो, तो 21 जन्म के राज भाग प्राप्त का गारंटी भगवान ने दी है। तो हम समझते हैं कि हमारे ये आए हुए भाई बहनें भी अवश्य परमात्मा द्वारा, जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्म राज भाग का प्राप्त होता है, हो रहा है, उसको अवश्य प्राप्त करेंगे, हमारे साथी बनेंगे और हमारे साथ साथ परमात्मा पिता की जो आज्ञा है नैतिक मूल्य के लिए, उसको धारण करके औरों को भी करा के अवश्य इस राज्य के अधिकारी बनेंगे। और हमें गारंटी है कि परमात्मा का कार्य हो रहा है, मनुष्यात्मा का ये कार्य था ही नहीं, इसीलिए हुआ नहीं। लेकिन अब परमपिता परमात्मा स्वयं ये राम राज्य कहो या स्वर्ग कहो, सुख की स्वराज कहो, उसकी स्थापना कर रहा है और हम उनके साथ साथ परमात्म कार्य में सहयोगी है। तो मैं समझती हूँ जो भी आए हैं, जिन्होंने भी भाषण किया है, उन्होंने धर्म के शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छा अनुभव बताया है। तो अवश्य हमारे साथी बन करके इस विश्व का परिवर्तन करेंगे ही, क्योंकि अति हो चुकी है, अति के बाद अंत तो आना ही है। रात्रि को 12 के बाद, अंधेरे के बाद रोशनी तो होती ही है, दिन तो शुरू हो ही जाता है। इसीलिए
ये परमात्मा की गारंटी है कि स्वर्ण युग, सुख और शांति का युग आना ही है, और इसमें जो जितना भी अधिकार प्राप्त करने चाहे वो कर सकते हैं। ओम शांति।